हेलो फ्रेंड, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग बैंक और बैंक डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। यहाँ से आप ये मान के चलो कि आपके कम से कम 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी होनी चाहिए। अब यहाँ से हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उस अकाउंट में इंटरेस्ट किस हिसाब से कैरी होता है, TDS किस हिसाब से कैरी होता है, किस टाइप्स के अकाउंट हम ओपन करते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 नंबर के आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो चीज़ें एक एक ध्यान से सुननी है आपको, चीज़ें आपको सुनने से ही याद हो जाएगी। अब क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैंक और बैंकिंग कंपनीज के बारे में, बैंकर कस्टमर डेफिनेशन के बारे में, वैसे ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं BR एक्ट में, टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट के बारे में, इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट का कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट और TDS के बारे में, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक के डेफिनेशन के रिगार्डिंग। बैंक की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, सेक्शन 5B ऑफ BR एक्ट 1949। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बन जाता है। पहला क्वेश्चन यह है, बैंक की डेफिनेशन कहां पे है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में दी गई, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं यह चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन ऑफ बैंकर। अब बैंकर की डेफिनेशन, ये चीज अलग है, बैंक अलग है, बैंकर अलग है, बैंकिंग कंपनीज अलग है, तीन चीजें हैं, ठीक है। बैंकर की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2। बैंकर की डेफिनेशन दी गई है NI एक्ट 1881 में। NI एक्ट 1881 में जो बैंकर की डेफिनेशन दी गई है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं उनके पर्पज से दी गई, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर बैंकर की डेफिनेशन की हम बात करें तो सेक्शन 2 बिल ऑफ एक्सचेंज 1882 में दी गई। वॉट इट, बैंक और पोस्ट ऑफिस के पर्पज से दी गई है NI एक्ट के सेक्शन 3। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं बैंकिंग कंपनी के बारे में। बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। यहां पे बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। बैंकिंग कंपनी के प्राइमरी वर्क्स क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, उसको जो डिपॉजिट लिया है उस मनी को उधार देने का वर्क करती है, उस मनी को वेरियस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने का वर्क करती है, और जब कस्टमर वापिस डिमांड करता है तो रीपेबल ऑन डिमांड का वर्क है वो बैंकिंग कंपनी करती है, ठीक है। तो एक हमने बैंक पढ़ा, दूसरा हमने बैंकर पढ़ा, तीसरा हमने बैंकिंग कंपनी पढ़ा, तीनों चीजें क्लियर है। बैंकर की डेफिनेशन है वो NI एक्ट में है, बैंक और बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है वो BR एक्ट में। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस। लास्ट क्लास में पढ़ाया है हमने, सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है, जब तक कोई भी कंपनी बैंक का लाइसेंस नहीं लेती है, बैंकिंग के वर्क करने का लाइसेंस नहीं लेती है, तब तक वो बैंक से रिलेटेड वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो बैंक से रिलेटेड वर्क करने के लिए किसी भी ब्रांच को, अगर एक बैंक नई ब्रांच ओपन कर रहा है, ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहा है, तो भी उनको अलग से लाइसेंस लेना होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक चीजें हैं तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, बाकी पहले पढ़ी हुई है तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो रिवाइज हो जाएगी आपको एक बार। डेफिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर, अब ये हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक कस्टमर की डेफिनेशन की हम बात करें तो बैंक कस्टमर को किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बैंक कस्टमर को किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ए कस्टमर इज ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक और हैज ए रिलेशनशिप विद द बैंकर इवन थो द हैज नो अकाउंट विद द बैंक। अब कस्टमर वो होता है जिसका बैंक के साथ अकाउंट रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही टाइप के लोग हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे साथ ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी टाइप का, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, वो सारे हमारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। अब कस्टमर की कुछ कैटेगरीज की हम बात करें तो सिंपली कस्टमर्स को हम, टाइप ऑफ बैंक कस्टमर्स को हम 3-4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो कस्टमर हैं जिनका हमारे साथ पहले से ही अकाउंट रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, पहले से ही जिनका अकाउंट चल रहा है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। फॉर्मर कस्टमर वो होते हैं जिनका पहले हमारे साथ अकाउंट था लेकिन अब उनका अकाउंट नहीं है, मतलब अब उन्होंने अकाउंट क्लोज करवा लिया, वो होते हैं फॉर्मर कस्टमर। तीसरा आता है वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर टेक्निकली हमारे कस्टमर नहीं होते, ठीक है, पर बैंकिंग फैसिलिटी लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं, जैसे कोई ड्राफ्ट परचेज करने के लिए आया, कोई चेक का पेमेंट लेने के लिए आया थर्ड पार्टी का, तो ये होते हैं वॉक इन कस्टमर, ठीक है, मतलब घूमते फिरते कस्टमर होते हैं, हमारा टेक्निकली इनके साथ बैंकिंग के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। चौथा आता है प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जिनका फ्यूचर में हमारे साथ रिलेशन बनने वाला, ठीक है,
जो हमारे साथ अकाउंट रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, ड्यूली साइंड ईओएफ जिन्होंने हमें फील करके दे दिया है कि भाई हमें अकाउंट ओपन करवाना है और हमने उनका ईओएफ एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, वो होते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, और पोटेंशियल कस्टमर भी इनको बोला जाता है। अब जो कस्टमर की डेफिनेशन हमारे सीबीएस में है, सीबीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जो हमने टेस्ट में भी पूछे थे, तो सीबीएस में हमारे जो कस्टमर की डेफिनेशन है वो एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, वो एक बैंक से रिलेटेड है। मतलब जो अभी हमारे कस्टमर है वो पूरे बैंक के कस्टमर है, ऑल ओवर इंडिया, हमारी एक ब्रांच के कस्टमर नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हमारे बैंक की किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, क्लियर है। जैसे पासबुक प्रिंट करवाना है तो आप किसी भी ब्रांच में जाइए, जिस भी बैंक के आप कस्टमर हो उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाइए, पर्टिकुलर ब्रांच में जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। चेक का पेमेंट लेना है तो आप किसी भी ब्रांच से ले सकते हो। तो जो ये कस्टमर की डेफिनेशन सीबीएस में है, ये एक ब्रॉड टर्म है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स की। तो बेसिकली हम तीन टाइप्स की बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक होता है करंट बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। करंट डिपॉजिट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट्स भी कहलाती है। तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, जो हमारी होती है वो सारी यहाँ पे टर्म, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स में आती है। रिकरिंग डिपॉजिट जो भी है, फ्लेक्सी आरडी है, वो सारी, क्लियर है ये चीजें। तो बेसिकली हम तीन टाइप्स के अकाउंट ओपन करते हैं। अब सेविंग्स बैंक अकाउंट की हम बात करें तो सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट यहाँ पे दी है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ये एक एक चीज आप ध्यान से सुनो, ठीक है। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इन चीजों को समझोगे तभी आप लोगों के समझ में आए। तो कोशिश करो क्लास से ही याद कर लो, बाद में रिक्वायरमेंट नहीं हो ऐसी चीजों की। अब सबसे पहले आरबीआई ने यह बताया है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेली बैलेंस के हिसाब से होगी, डेली आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। इंटरेस्ट क्रेडिट कब होगा, क्रेडिट होगा एक क्वार्टर में कम से कम एक बार, ठीक है। एक क्वार्टर में एटलीस्ट कम से कम एक बार क्रेडिट होना चाहिए। कोई अगर मंथली क्रेडिट करना चाहता है, कोई बैंक बाई मंथली क्रेडिट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन एक क्वार्टर में तो कम से कम करना ही होगा। तीन महीने से ज्यादा का टाइम आप इंटरेस्ट क्रेडिट करने के लिए नहीं लगा सकते, क्लियर है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेली बैलेंस के हिसाब से होगी, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट होगा वो क्वार्टरली बैलेंस के हिसाब से होगा, क्वार्टरली होगा। डेली बैलेंस पे हमने कैलकुलेट कर लिया और तीन महीने के अंतराल में हम इसको क्रेडिट करें, ठीक है। मिनिमम बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए बैंक फ्री है। अब एक कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बैंक प्रमोशन एग्जाम में, तो 1,00,000 रुपए तक का बैलेंस है उस पे बैंक्स को यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। सारे बैंक एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन अकाउंट विद इन दिस लिमिट। तो 1,00,000 रुपए तक का बैलेंस है वो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होता है, क्लियर है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो मे बी प्रोवाइडेड फॉर एनी एंड ऑफ डे सेविंग बैलेंस एक्सीडिंग रुपए 1,00,000। 1,00,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस एक्सीड कर रहा है तो बैंक अपने हिसाब से फिर इस पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन 1,00,000 रुपए तक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इंटरेस्ट पेड अप टू ₹10,000 इज एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ₹10,000 तक का इंटरेस्ट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में है तो वो सेक्शन 80TTE में नॉन टैक्सेबल होता है। अब कुछ साथियों को ये लग रहा होगा, कुछ साथी ये मैंने पहले पढ़ाया था तब भी बोल रहे थे कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट है वो फ्री होता है, उस पर कोई टीडीएस नहीं लगता। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो इनकम टैक्स का कंसेप्ट है आप लोग खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, क्लियरली मैंशन किया गया है ₹10,000 से अब वो इंटरेस्ट अगर आपका बन रहा है तो सेक्शन 80TTE में इस पर टैक्स लगेगा। एक सेक्शन होता है 194A में ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 80TTE जो इनकम टैक्स का है उसमें ₹10,000 तक की ही छूट है, उसके ऊपर यहाँ पे TDS कटेगा, क्लियर है ये चीज। 194A में FDR वगैरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है करंट डिपॉजिट। अब करंट डिपॉजिट कौन ओपन करवाते हैं ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, इन इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, उनके लिए करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, करंट अकाउंट पे बैंक है वो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, लेकिन जो सर्विस बैंक यहाँ पे करंट अकाउंट में रेंडर कर रहे हैं उनके लिए चार्जेस लेते हैं,
क्लियर है। तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट की तरह ही मेंटेन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। बैंक यहाँ पे करंट अकाउंट में जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा, और जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उनके लिए चार्जेस भी लेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स की। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एफडीआर है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 7 days to 10 years। कम से कम 7 दिन की एफडी ओपन होती है और मैक्सिमम 10 साल की ओपन होती है। 10 साल के बाद एफडीआर को रिन्यू किया जाता है। आजकल ऑटो रिन्यूज एफडी होती है, ठीक है। तो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडीआर बनती है। ये चीज क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट की हम बात करें। अब एफडीआर में तो क्या होता है, एफडीआर और रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें क्या डिफरेंस होता है भाई, एफडीआर और आरडीआर में? तो एफडीआर में तो लंपसम अमाउंट होता है, लंपसम अमाउंट होता है। लंपसम का क्या मतलब हुआ, एक साथ ही पूरा अमाउंट। आपको 1 लाख रुपए की एफडी बनानी है, आपको 1 लाख एक साथ डिपॉजिट करना है। रिकरिंग डिपॉजिट में यहाँ पे एक फिक्स रेंज होती है, ठीक है, एक फिक्स यहाँ पे टाइम पीरियड होता है उसमें आपको डिपॉजिट करना है। जैसे आपने मंथली लिया है, ठीक है, किसी ने मंथली लिया है, किसी ने क्वार्टरली लिया है, तो जिस हिसाब से भी लिया है आपको, मतलब 1 लाख रुपए की एफडी करवानी है और आप हर मंथ 10-10 हज़ार रुपये क्रेडिट करवा रहे हो, तो इस हिसाब से क्रेडिट किया जा सकता है। तो एफडीआर में एक ही बार डिपॉजिट होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, लेकिन आरडी में जिस हिसाब से आप डिपॉजिट करते जाओगे उस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती रहेगी। आरडी अपनी सुविधा के अनुसार आप ओपन करवा सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार मंथली क्वार्टरली जिस हिसाब से आप डिपॉजिट करना चाहो उस हिसाब से जमा कर सकते हो। लेकिन एफडीआर के केस में एक ही बार में पूरा अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। क्लियर है ये चीज। तो ये एफडीआर और रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें डिफरेंस होता है। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एफडीआर वगैरह जो एफडीआर हैं वो टर्म डिपॉजिट हैं, वो संडे या हॉलीडे या फिर नॉन बिजनेस वर्किंग डे को मैच्योर हो रही है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन क्या होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू इन द केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ 365 डेज इन ए ईयर। मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग फॉर पेमेंट ऑन संडे और हॉलीडे और ए नॉन बिजनेस वर्किंग डे, कोई संडे आ गया, कोई हॉलीडे आ गया, या फिर जिस दिन हमारा बिजनेस वर्किंग डे नहीं था उस दिन ए बैंक सेल पे इंटरेस्ट टिल द नेक्स्ट वर्किंग डे एट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट। मतलब यहाँ पे एफडीआर मैच्योर हो रही थी 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को बैंक में हॉलीडे होता है, ठीक है, 25 दिसंबर को एफडीआर मैच्योर हो रही थी, तो कस्टमर की एफडीआर 25 दिसंबर को मैच्योर हुई, कस्टमर आया 26 दिसंबर को बैंक में, 26 दिसंबर यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट वर्किंग डे हो गया। तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, किसी को 6% मिल रहा है तो उस 26 दिसंबर तक का देंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे तक का देंगे उसी कॉन्ट्रैक्टेड रेट के हिसाब से, ठीक है। अगर री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैच्योरिटी वैल्यू है उस पर री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे लेना चाहता है तो 365 दिन एक साल में मिला करके हम कैलकुलेशन करें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट के कंसेप्ट की हम बात करें। इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट कब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड इनऑपरेटिव अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं 10 साल के बाद, 10 साल तक अगर यहाँ पे कस्टमर ने कोई लेन देन नहीं किया है तो वो हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट और वो डीप में चला जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में डीप के बारे में बात की थी, ठीक है। डोरमेंट अकाउंट होता है 2 साल के बाद, अगर 2 साल तक कस्टमर ने यहाँ पे लेन देन नहीं किया है तो वो डोरमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि कस्टमर ने लेन देन नहीं किया है लेकिन कस्टमर के इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्या ये अकाउंट डोरमेंट होने से बच जाएगा या डोरमेंट कैटेगरी में चला जाएगा, बताइए। डोरमेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे जो एंट्री होनी चाहिए वो CI यानी कस्टमर इंड्यूस्ड होने चाहिए, ट्रांजेक्शन कस्टमर के द्वारा होना चाहिए, इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो BI है, बैंक इंड्यूस्ड है, बैंक इंड्यूस्ड एंट्री है वो काउंट नहीं होती, कस्टमर इंड्यूस्ड होनी चाहिए।
ए सेविंग्स एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव डोरमेंट इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द करंट अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. डोरमेंट 2 साल के बाद हो जाएगा. फॉर द पर्पज ऑफ क्लासीफाइंग एन अकाउंट इन ऑपरेटिव बोथ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिट एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंड्यूस्ड एट द इंस्टेंस ऑफ कस्टमर. ठीक है, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन होने चाहिए. एज वेल एज थर्ड पार्टी शुड बी कंसिडर. चाहे थर्ड पार्टी ने ही उसमें डिपोजिट क्यों नहीं करवाया अमाउंट, वो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ऑन रेगुलर बेसिस वेदर द अकाउंट इज ऑपरेटिव और नॉट. ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती रहेगी. इफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट्स रिसीट मैच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड द अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक विल अट्रैक्ट सेविंग्स बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई FDR थी वो यहाँ पे मैच्योर हो गई और अनपेड है, कस्टमर ने उसको अब वापिस क्लेम नहीं किया, तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है जो यहाँ पे पहले का जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट था, कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम था, उस कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम के बाद का जो टाइम है उस पे सेविंग्स बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, अब उसको FDR के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो गई है. तो जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट को ट्रीट करते हैं, रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब 5 साल की FDR करवा रखी थी तो 5 साल के लिए तो उसका जो भी इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स मिलेगा उसको, लेकिन उसके बाद इसको किसी ने यहाँ पे क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड हो गया. तो 5 साल के बाद जो अनक्लेम्ड टाइम रहा है उस पूरे अनक्लेम्ड टाइम के लिए सेविंग्स बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. डिसीज्ड डिपॉजिटर्स के अकाउंट्स की हम बात करें. ठीक है, तो डिसीज्ड डिपॉजिटर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट पेबल ऑन टर्म डिपॉजिट इन डिसीज्ड डिपॉजिटर्स अकाउंट. अगर कस्टमर की यहाँ पे डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होगा, डिपॉजिट इज क्लेम्ड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बैंक शैल पे इंटरेस्ट एट द कॉन्ट्रैक्टेड डेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. अगर यहाँ पे नॉमिनी है, लीगल हायर है, वो मैच्योरिटी के बाद क्लेम करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टेड डेट थी उस कॉन्ट्रैक्टेड डेट के हिसाब से मिले. मतलब 6% में FDR की थी 2 साल के लिए, 1 साल के बाद कस्टमर डिसीज हो गया, तो अगर जो नॉमिनी है, लीगल हायर है, वो 2 साल के बाद पैसे लेते हैं, मतलब 2 साल का पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड देते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट थी 6% उसी के हिसाब से रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. आफ्टर डेट ऑफ मेच्योरिटी इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल टू सेविंग्स डिपॉजिट्स एज ऑन द डेट ऑफ पेमेंट और द पीरियड फॉर द विच डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक बियॉन्ड द डेट ऑफ मेच्योरिटी. ठीक है, तो जितने टाइम तक बैंक के पास रही है उतने टाइम के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर पहले क्लेम कर रहा है तो. If the amount of deposit is claimed before the date of maturity, interest at the rate applicable to the period for the which deposit has remained with the bank will be paid without any penalty. अब बैंक क्या करता है, प्री मेच्योर क्लोजर पे पेनल्टी लेता है. ठीक है, पेनल्टी 1% तक के इंटरेस्ट की हो सकती है, लेकिन अगर कस्टमर की डेथ हो गई है और फिर यहाँ पे कोई क्लेम कर रहा है, जो भी लीगल हायर है, नॉमिनी है, तो यहाँ पे जितने टाइम तक FDR बैंक के पास रही उतने टाइम का बैंक इंटरेस्ट देगा. मतलब 1 साल की FDR थी तो 6 महीने बाद कस्टमर की डेथ होगी, 6 महीने बाद यहाँ पे कोई क्लेम कर रहा है, 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में पेनल्टी नहीं लगानी. मतलब यहाँ पे आपको 6% के हिसाब से ही पे करना है, लेकिन 6 महीने बाद क्लेम कर रहा है तो आपको 6 महीने का ही पे करना है. 6 महीने बाद आप कस्टमर को दे सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में पेनल्टी नहीं लगानी है प्री मेच्योर की. क्लियर है ये चीज. हाउएवर इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द ओवरड्यू डिपॉजिट द बैंक शैल पे इंटरेस्ट एज पर बैंक पॉलिसी एंड ओवरड्यू डिपॉजिट. अब कस्टमर की डेथ हो गई, टाइम भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद किसी ने क्लेम नहीं किया, तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से ओवरड्यू डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट पे कर सकता है. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट देखिए. अब हम बात करते हैं TDS की. TDS में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोहिबिट्स पेमेंट इन कैश ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज ₹20,000 और मोर. अगर किसी FDR का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो 20,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं किया जा सकता, और इस 20,000 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूड है. ठीक है, सेक्शन 269 इनकम टैक्स एक्ट में ये चीज है वो मेंशन की गई. क्लियर है. TDS की हम बात करें, TDS कितना कटेगा, तो TDS रेट ऑन FD इंटरेस्ट इज 10% डिडक्टेड. FDR पे जनरली यहाँ पे 10% का TDS लगता है, लेकिन कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो फिर 20% के हिसाब से TDS लगे. ठीक है, अगर कोई NRO FD है तो उस पर 30% के हिसाब से TDS लगेगा. फॉर NRE एंड FCNRE देर इज नो TDS बिकॉज दीज FDs आर टैक्स फ्री. अब 3 चीजें हो गई, जनरल TDS लगेगा 10%, पैन कार्ड नहीं है तो लगेगा 20%, और NRO है तो लगेगा 30%. चौथी चीज ये है
कि जो एनआरई है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है या फिर एफसीएनआर है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एफडीज हैं, उन पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अब भाई इनको हम क्यों छूट दे रहे हैं, बाकी सब पे ले रहे हैं, तो इनको छूट इसलिए दे रहे हैं कि ये पहले से ही टैक्स पे कर चुके हैं। इनका जिस भी कंट्री में है, ये जहां भी है, जहां से अमाउंट है, तो ये पहले से ही वहां पे टैक्स पे कर चुके हैं, तो दोबारा इनसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कोई एफडी होल्डर है, वो टीडीएस वेव करवाना चाहता है, ठीक है, कि मेरी तो इनकम है वो टैक्स के दायरे में आई नहीं रही है, मुझे टैक्स में यहाँ पे वेवर चाहिए, तो फिर कस्टमर क्या करेगा, फॉर्म 15G और 15H है उसके लिए, उसके फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा बैंक को। सब्सिक्वेंटली दे मस्ट सबमिट द सेम देयर एफडी प्रोवाइडर्स एट बिगिनिंग ऑफ एनी गिवन फाइनेंशियल ईयर। मतलब अप्रैल में ही देना है, जैसे जब फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ उसी टाइम देना है कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मुझे यहाँ पे टैक्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो 15G और 15H, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, टैक्स स्लैब के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, वह नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। अब टैक्स कब डिडक्ट नहीं किया जाएगा, तो ये सेक्शन 194A एफडीआर पे जो इंटरेस्ट पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के अनुसार लगता है। कब तक नहीं लगेगा, इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू द पे इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द फॉलोइंग डेट। अब ये एक लिमिट बताई गई है, इस लिमिट में ये बताया गया कि पेयर है वो कौन है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की गई। ठीक है, अगर पेयर जनरल पब्लिक है और सीनियर सिटीजन है, अब दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पब्लिक है जिनकी एज होती है 60 साल से कम, 60 साल से कम होते हैं वो होते हैं जनरल पब्लिक, और 60 साल से ज्यादा, 60 से ज्यादा वाले होते हैं वो होते हैं सीनियर सिटीजन। क्लियर है, बैंकिंग कंपनी या फिर पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी या फिर पोस्ट ऑफिस है वहां पे अगर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट एक बैंक के लिए है, ठीक है, एक बैंक के लिए, दूसरे बैंक में है तो फिर दूसरे बैंक के लिए भी इतना हो जाएगा, एक बैंक के लिए है ये, एक बैंक में अगर जनरल पब्लिक का 1 साल में 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बन रहा है, एक पैन कार्ड की लिमिट हो गई, मतलब 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बन रहा है, तो फिर यहाँ पे कस्टमर को टीडीएस नहीं देना है। ठीक, कस्टमर की टीडीएस नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है एक्स्ट्रा 10,000 रुपए की, मतलब सीनियर सिटीजन है उसका यहाँ पे अगर 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बन रहा है तो उसका टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगी, टैक्सेबल इनकम रही है वो जनरल पब्लिक के लिए है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स कटेगा। ठीक है, और सीनियर सिटीजन की हम बात करें तो 3 लाख से ज्यादा की, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से ज्यादा की इनकम। अब जनरल पब्लिक टैक्स डिडक्ट नहीं करवाना चाहती है तो वो देंगे 15G फॉर्म भर के, ठीक है, और सीनियर सिटीजन ये बोल रहे हैं कि मेरी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं तो वो देंगे 15H। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जी फॉर जनरल, जनरल पब्लिक के लिए कौन सा होगा 15G, जी फॉर जनरल, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा होगा 15H। ठीक है, जी पहले आता है, मतलब पहले 60 साल से कम उम्र वाले हैं तो पहले वालों के लिए क्या लगेगा, जी, याद रख पाओगे, जी फॉर जनरल पब्लिक, या फिर जी पहले आता है तो मतलब जिनकी उम्र कम है, एच बाद में आता है तो जिनकी उम्र ज्यादा है 60 साल से ज्यादा है वो देंगे 15H भर के। क्लियर है, अब एक कंसेप्ट और है सुपर सीनियर सिटीजन का। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया 5 लाख रुपए रखा गया, सुपर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है 5 लाख रुपए, तो ये होता है टीडीएस का डिडक्शन। आ गया समझ में, ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है, एफडीआर के केस में जनरल पब्लिक के लिए 40,000 रुपए है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए इंटरेस्ट है, वो टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 194A इनकम टैक्स के अनुसार। क्लियर है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस इस सेशन पे बेस्ट। सुपर सीनियर सिटीजन आर दोज हुज पर्संस हुज एज इज मोर देन, अब बताइए सुपर सीनियर सिटीजन पर्संस की एज कितनी होती है, तो जस्ट अभी पढ़ा है, सभी का आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी, 80 साल और इससे ज्यादा की एज जिनकी होती है वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। Which of the following is not a tax saving instrument under section 80C of Income Tax Act? अब बताइए इनमें से कौन सा Income Tax Act के section 80C के अनुसार tax saving instrument नहीं है? तो government business पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे पढ़ाया है आप लोगों को, answer करना होगा PPF, SSA, SGB और tax saver FDR। 80C में कितनी छूट मिलती है? 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है 80C में किसी ने investment किया। अब answer करें फटाफट, तो टैक्स सेवर एफडीआर कितने लोगों ने लगाया,
नहीं लगाया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, PPF भी इस 1.5 लाख की लिमिट में आता है, SSA भी आता है, टैक्स सेवर FDR भी आता है। टैक्स सेवर FDR बनती है 5 साल के टाइम पीरियड के लिए। आप 5 साल से पहले टैक्स सेवर FD है उसको यहाँ पे तोड़ नहीं सकते, तो 5 साल के लिए आपको FDR बनानी होगी। इंटरेस्ट इस पे थोड़ा ज्यादा मिलता है और ये टैक्स सेविंग के लिए यूज ली जा सकती है सेक्शन 80C के अंदर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उस पे आपको कोई भी टैक्स में रिबेट नहीं मिलती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकर इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ एक्ट। बैंक और पोस्ट ऑफिस, पीओ फॉर पोस्ट ऑफिस है। बैंक और पोस्ट ऑफिस की पर्पज से बैंकर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? NI एक्ट में, RBI एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, या फिर कहीं डिफाइन नहीं किया गया? कौन से एक्ट में बैंकर डिफाइन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैंकर NI एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड इन, अब बताइए बैंकिंग कंपनी कहाँ डिफाइन की गई है? कौन से एक्ट में है? NI एक्ट में, RBI एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, या फिर कहीं डिफाइन नहीं? तो सभी का सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट टर्म कस्टमर हैज डिफाइंड इन, अब ये बताइए कस्टमर कहाँ डिफाइन किया गया है? NI एक्ट में, RBI एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, या फिर नॉट डिफाइंड? एक एक चीज समझ में आई है तो आंसर करना है। आ गई समझ में तो करिए आंसर। यस, सभी का सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो कस्टमर है वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। द पर्सन हु टेक्निकली नॉट आर कस्टमर्स बट अवेलिंग बैंक फैसिलिटीज सच एज परचेजिंग ए ड्राफ्ट कोड। अब टेक्निकली जो हमारे कस्टमर नहीं है, जिनका हमारे साथ अकाउंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, अकाउंट रिलेशन नहीं है, नो अकाउंट रिलेशन वाले कस्टमर हैं, लेकिन जैसे कोई ड्राफ्ट परचेज करने के लिए आ रहा है, तो उन कस्टमर को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वॉक इन कस्टमर, या फिर फॉर्मर कस्टमर? तो फटाफट आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वॉक इन कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर जिनका अकाउंट रिलेशनशिप नहीं है लेकिन बैंक की फैसिलिटी ले रहे हैं, वो होते हैं वॉक इन कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी सेंट ऑन बैलेंस ऑफ रुपए, अब यहां पे तो लिख ही दिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट विद इन दिस लिमिट। ठीक है, तो कितने रुपए तक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 लाख रुपए तक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अकाउंट नोट पे एनी इंटरेस्ट, अब इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है? सेविंग्स अकाउंट, FDR अकाउंट, करंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इजी इजी क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप्स की इजी क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सभी का सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम, अब फिक्स डिपॉजिट पीरियड की रेंज कितनी होती है? 7 दिन से 5 साल, 1 दिन से 10 साल, 1 महीने से 10 साल, या फिर 7 दिन से 10 साल? याद है सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7 दिन से 10 साल तक की एफडीआर बनती है। ए सेविंग्स एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज डोरमेंट इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ, अब बताइए डोरमेंट अकाउंट कितने साल बाद हो जाएगा जिसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर नन ऑफ दिस? 10 साल कितने लोगों ने लगाया? किसी ने नहीं लगाया, सभी स्मार्ट हो गए। तो 10 साल बाद तो हो जाता है इनऑपरेटिव अनक्लेम्ड, और 2 साल बाद हो जाता है डोरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट बाय कैश, सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोहिबिट्स पेमेंट इन कैश प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रुपीज और मोर। अब कितने रुपए तक का कैश में पेमेंट किया जा सकता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाया गया है? ठीक है, 10,000 रुपए का, 20,000 का, 50,000 का, या फिर 1 लाख का? बताएं, सभी का सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20,000 रुपए तक का कैश में पेमेंट किया जा सकता है। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड योर पैन कार्ड टू द बैंक, TDS इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ ऑन FD इंटरेस्ट। अब किसी कस्टमर ने यहाँ पे अपना पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाया, तो उसकी FD पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा? 10% का, 20% का, 30% का, या फिर नन ऑफ द अबव? जनरल केस में कितना लगता है? 10% का। पैन कार्ड नहीं दिया है तो कितना लगेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20% का। क्वेश्चन नंबर 13,
एफडी होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर टीडीएस वेवर ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स अर्निंग बाय डिक्लेयरिंग देम थ्रू फोरम फॉर जनरल पब्लिक और फोरम फॉर सीनियर सिटीजन। अब बताइए जनरल पब्लिक कौन सा फॉर्म भरती है टीडीएस वेवर के लिए और सीनियर सिटीजन कौन सा भरते हैं? जी फॉर जनरल। तो जनरल पब्लिक कौन सा भरती है? 15G इस और इस ऑप्शन में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जी दिया है और यहाँ पे एच दिया है, तो दोनों सेम तो भरते नहीं है। तो जनरल पब्लिक ने 15G भरा है, तो सीनियर सिटीजन कौन सा भरेंगे? 15H। आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पीरियडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक सेविंग्स डिपॉजिट शैल बी क्रेडिटेड ओवर शॉर्टर इंटरवल्स। अब बताइए इंटरेस्ट क्रेडिट करने की पीरियडिसिटी क्या रहेगी? तो सबसे पहले ये बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाएगी? डेली बेसिस पे। और इंटरेस्ट का क्रेडिट किस हिसाब से किया जाएगा? मतलब कम से कम इस इंटरवेल और फिर इससे कम, इससे शॉर्टर इंटरवेल में क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन ये तो मैक्सिमम है, इतने इंटरवेल में तो क्रेडिट करना ही है। तो बताइए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर नॉन ऑफ दिस? तो सभी का सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो क्रेडिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बल्क डिपॉजिट्स मीन्स सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज एंड अबोव फॉर एससीबी। एससीबी क्या है भाई? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसमें से इनको शामिल नहीं किया गया है, किसको? आरआरबी को नहीं किया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, पेमेंट बैंक को और लोकल एरिया बैंक को। इनको छोड़कर के कितने रुपए तक की डिपॉजिट है वो बल्क डिपॉजिट कहलाती है, और आरआरबी के लिए बल्क डिपॉजिट है वो कितनी रखी गई? ये जो बल्क डिपॉजिट का कंसेप्ट है ये आरबीआई का है, ठीक है। तो बताइए किस डिपॉजिट को आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट कहा है? अब इसका आंसर कितने लोगों का सही है कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा गया है कई बार बल्क डिपॉजिट का। तुक्का लगा दो कितने लोगों का सही बैठा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके लिए बल्क डिपॉजिट है वो रहेगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और जो आरआरबी बैंक है उनके लिए बल्क डिपॉजिट है वो रहेगा 1 करोड़ रुपए। दोनों चीज ध्यान में रखनी है, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए है और आरआरबी के लिए 1 करोड़ रुपए। गॉट इट? तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा, पसंद आया, चीजें समझ में आई, क्लियर है सभी को? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।